प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि भगवान राम को नारद जी ने श्राप दिया। कौन सा श्राप दिया? नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, काम मेरा कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, नारद, काम पे विजय प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। पर नारद जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने विजय प्राप्त कर ली। भगवान ने एक लीला की, भगवान ने एक माया का नगर बनाया और उस माया के नगर में भगवान ने एक राजा बनाया, एक रानी बनाई, एक राजकुमारी बनाया और अनेक प्रकार से पूरी सभा और नगर का उन्होंने रचना की। उसी में नारद जी भी स्वयंवर में पधारे। विश्व मोहिनी का स्वयंवर होना था, वहाँ पर वो पधारे। और जैसे ही पधारते हैं तो नारद जी के अंदर विश्व मोहिनी को देख करके, विश्व मोहिनी और कोई नहीं थी, वो साक्षात लक्ष्मी थी। तो जैसे ही विश्व मोहिनी को नारद जी ने देखा तो उनके मन में काम जागृत हो गया कि इस राजकुमारी के साथ मेरा विवाह हो जाए। भगवान के पास गए, कथा बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ, श्राप की। भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा, नारद, क्या चाहिए? कहने लगे, प्रभु, मैं विवाह करना चाहता हूँ। और नारद जी ने कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा कुछ करो कि जिससे विश्व मोहिनी मेरी ओर देखे। और इसके साथ साथ नारद जी ने कहा, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिसमें मेरा कल्याण हो वो काम आप करिए। तो नारद जी को भगवान ने बंदर की आकृति दी और बंदर की जब आकृति दी तो नारद जी वहाँ पहुँचे, सभा में विश्व मोहिनी के आगे जा कर के बैठे। विश्व मोहिनी वहाँ से जयमाल लेकर के निकली, सोचा कि अब नारद जी के गले में जयमाल पड़ेगा, परंतु विश्व मोहिनी आगे हो गई। और इसी बीच भगवान विष्णु आए सभा के मध्य में और आ करके विश्व मोहिनी ने उनके गले में जयमाल डाल दिया और वहाँ से वो ले गए विश्व मोहिनी को। इधर नारद जी को जो भगवान के गण थे उन्होंने कहा कि भाई देखो, अपना मुख तो देखो जा करके। नारद जी ने जब अपना मुख देखा तो भगवान को श्राप देने लगे कि जाओ, जिस तरह से आपने मुझे पत्नी के वियोग में छोड़ा है, इसी तरह से यही बंदर और भालू तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी भी पत्नी का हरण होगा। जिस तरह से मैं पत्नी के वियोग में रो रहा हूँ, इसी तरह से प्रभु आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं इस श्राप को आपके स्वीकार करता हूँ। तो नारद जी ने इस तरह से भगवान को श्राप दिया। फिर मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।